हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इसमें हम लोग देखेंगे जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, इसमें प्राइमरी एक्टिविटी को हमने क्लियर किया। अब हम लोग इसमें देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि जिसमें हम लोग उद्योगों को शामिल करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण और विश्व के महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं, जिसमें आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, और जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्टेट्स हैं और उसके टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, उसको हम लोग इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उद्योग का वर्गीकरण उसके साथ साथ इसका डिटेल देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, और अन अकेडमी पर आप फॉलो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इसका पूरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए उद्योग का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, चार प्रकार से है। एक आपका आकार के आधार पे है, दूसरा उत्पाद के आधार पे, तीसरा कच्चे माल के आधार पे, और चौथा स्वामित्व के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण है आकार के आधार पर। इसमें आपका कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वह उत्पाद के आधार पर प्रकार है। इसमें आपका आधारभूत उद्योग, जो आपका लौह इस्पात प्रकार के उद्योग हैं। उपभोक्ता उद्योग, जिसमें आपका खान पान, वस्त्र, वाहन आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट है कच्चा माल आधारित उद्योग। इसमें आपका कृषि आधारित उद्योग, जिसमें आपका चीनी हो गया, सूती वस्त्र। रसायन आधारित उद्योग, पेट्रो रसायन, कृत्रिम रसायन, इसको शामिल किया जाता है। ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। साथ ही खनिज आधारित उद्योग, इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों को शामिल किया जाता है। उसके बाद वन आधारित उद्योग, इसमें आपका कागज और लाख। पशु आधारित उद्योगों में आपका चमड़ा और उनको शामिल किया जाता है। स्वामित्व आधारित उद्योग में आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र या फिर संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। अब नेक्स्ट में हम लोग इसका थोड़ा सा इसमें डिटेल देखते हैं। ये आप NCERT से देख रहे हैं, NCERT का ये इम्पोर्टेंट जो नोट्स है उसी से हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे धात्विक में आपका लौह इस्पात और अलाव यानी तांबा, एल्युमिनियम, आभूषण आदि उद्योग जो हैं। अधात्विक में आपका सीमेंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि को शामिल किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं इसमें। द्वितीयक क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे आप प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों को अपने गुण या तकनीक से दूसरे रूप में बदल देते हैं और ऐसा करके उसे अधिक मूल्यवान बना देते हैं। जैसे आपका गन्ना है, गन्ना प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होता है जिसे हम लोग चीनी बना देते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विनिर्माण प्रक्रिया आती है जिसमें हम हाथ से या मशीन की सहायता से किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो विनिर्माण प्रक्रिया सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। जो विनिर्माण है तो इसमें आपका एक होता है कि कारीगर का विशिष्ट कौशल युक्त होना चाहिए। उद्योग को पूर्ण रूप से यंत्रीकृत एवं कंप्यूटरीकृत होना चाहिए। यंत्रीकृत का अर्थ है मशीनों का प्रयोग। कौशल विशिष्टीकरण यानी कि कारखाने में थोड़ा सा सामान आदेशानुसार बनाया जाना चाहिए, जो शिल्प विधि है जिसके कारण उत्पादन की लागत अधिक होती है। उद्योग परिसर का पर्यावरण हितैषी होना जरूरी है। एक संगठनात्मक ढांचा अनिवार्य है। संगठनात्मक ढांचा की बात करें तो इसमें आपका जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास या अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। उद्योगों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है। तो उद्योगों की वर्गीकरण का आधार आपका आकार, कच्चा माल, अंतिम उत्पाद का प्रकार, स्वामित्व, परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग, प्रदेश,
अपने अनाकर्षक वातावरण एवं अन्य कर्मियों के कारण परिवर्तन के दौर में है। उच्च प्रौद्योगिकी की उद्योग में उन्नत वैज्ञानिक शोध एवं इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों के आसपास वातावरण साफ सुथरे एवं कर्मियों के लिए सुविधाओं से युक्त होते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदलता है तो इसे आप द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कह सकते हैं। द्वितीयक क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग से संबंधित होती हैं। विनिर्माण हाथ से या मशीनों से हो सकता है। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक समय में उद्योग में अकुशल श्रमिकों की अधिकता थी। औद्योगिकी क्षेत्रों का वातावरण आकर्षक नहीं होता था, प्रदूषण भरी समस्या होती थी, लेकिन औद्योगिकीकरण की क्रांति के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आधुनिक समय में उद्योग में अधिक संगठित और अधिकतर कार्य यंत्रों के द्वारा किया जा रहा है। कुशल एवं श्रमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग होते हैं। वातावरण स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित करने की कोशिश होती है। उद्योग कहाँ अधिक होने और कहाँ पर कम, इस बात को प्रभावित करने वाले भौगोलिक और आर्थिक कारक भी होते हैं। जैसे भौगोलिक कारकों में आपका दूरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर मार्केट हो गया, वाटर हो गया, ये आपका भौगोलिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। अभौगोलिक या आर्थिक कारकों में आपका पूंजी हो गया, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, और जो आपका इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी है, तो इसको हम लोग उसमें शामिल कर सकते हैं। उद्योगों को उनके बड़े या छोटे आकार, उनके उत्पाद एवं श्रमिक स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आधुनिकतम निर्माण क्रिया है जिसमें काफ़ी मात्रा में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित कर्मकारी होते हैं और रोबोट्स एवं कंप्यूटर की सहायता से इसमें कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे उद्योगों के संकेंद्रण स्थल को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है, जैसे आपका अमेरिका में सिएटल, भारत में बेंगलुरु। श्रमिकों का वह वर्ग जो विनिर्माण कार्यों में लगे विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं उसे? ब्लू कॉलर लेबर कहा जाता है। ऐसे वर्कर जो निर्माण कार्यों में विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं, तो ऐसे हम वर्कर को हम क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। और एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि वाइट कॉलर वर्कर आता है और ग्रीन कॉलर वर्कर आता है या स्वर्ण कॉलर वर्कर आता है। तो जो रेड कॉलर वर्कर होते हैं या लाल कलर वर्कर होते हैं, ये आपका प्राथमिक क्रियाओं में जो संलग्न होते हैं उसे हम लोग रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। और जो आपका स्वर्ण कॉलर वर्कर होता है वो आपका जो फिफ्थ एक्टिविटी यानी पंचम क्रिया में जो संलग्न होता है उसे हम लोग स्वर्ण कॉलर वर्कर कहते हैं। और श्वेत वर्कर यानी वाइट कॉलर वर्कर, वाइट कॉलर वर्कर को हम लोग ये कहते हैं कि जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में अति कुशल कर्मी होते हैं उसे हम लोग वाइट कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। ब्लू कॉलर हमने देखा कि उद्योगों की वास्तविकता से ये संबंधित होते हैं, इसलिए इनको ब्लू कॉलर वर्कर। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीज़ें क्लियर किया, चार चीज़ें। एक है लाल कॉलर वर्कर, लाल कॉलर में आपका प्राथमिक क्रिया के जो संलग्न वर्कर होते हैं, स्वर्ण कॉलर वर्कर जो पंचम क्रिया से संलग्न वर्कर होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर जो निर्माण कार्यों में विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं यानी सेकेंडरी एक्टिविटी में जो रहते हैं, श्वेत कॉलर वर्कर ये हाई टेक्नोलॉजी या उद्योगों में जो अत्यंत कुशल कर्मी होते हैं उन्हें वाइट कॉलर वर्कर की संज्ञा दी जाती है। और स्वर्ण कॉलर तो आपने जान ही लिया। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि जो सिलिकॉन घाटी है, यहाँ पे यूएसए में एक प्रौद्योगिकी नगर है जो आपका फ्रेडरिक टर्मन के कार्यों का प्रतिफल है। यहाँ पे औद्योगिक युक्त पार्क का विकास हुआ है।
कुछ इसमें मानव द्वारा पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य हैं, जिसमें आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्षमता कौशल के विकास, आत्मनिर्भरता, परस्पर निर्भरता व सहयोग, जागरूकता, विश्व शांति व सौहार्द, मानव कल्याण को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे। ये आपका टोटल हमने सेकेंड डे एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी, और जो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जैसे आपका आधारभूत उद्योग क्या है, उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग क्या है, स्वामित्व आधारित उद्योग क्या है, कृषि आधारित वन आधारित तो हमने देख ही लिया, लव अलाव देख लिया, कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने देख लिया, सार्वजनिक और निजी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के बारे में ये है कि जहाँ पे सर्व स्वामित्व जो है सरकार का हो तो सार्वजनिक क्षेत्र का हो गया, जहाँ पे पूंजीपति का हो तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, जहाँ पे दोनों सरकार और दोनों लोग मिलकर चलाते हैं वो आपका संयुक्त क्षेत्र का उद्योग हो गया। इसमें भी जैसे टेक्नोलॉजिकल पोलर पोल क्या है, तो इसको हम लोग इसमें देख लेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम लोग इससे प्रैक्टिस से क्वेश्चन भी वहाँ पे कर लेंगे। साथ ही जैसे लौह इस्पात और आयरन इंडस्ट्री कौन कौन कहाँ पे हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन में आप देखेंगे तो बर्मिंघम सेफील्ड है, जर्मनी में आपका डोर्टम एसेन है, डुइसबर्ग है, फ्रांस में ली क्रुयोसेट और सेंट इटर्नी है, चीन में संघाई बुहान है, भारत में आप जानते हैं जमशेदपुर, कुल्टी बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापत्तनम, भद्रावती, और जापान में नागासाकी, टोक्यो, याकोहामा को शामिल किया जाता है। यूक्रेन में क्रिवोई है, ये पूछा जाता है यूक्रेन में क्रिवोई रॉग और दोनेस्त, ये आपका लौह इस्पात कारखाने हैं। तो इसमें हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।